सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इनमें कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में दिवाली मनाते हैं। इस दिन दीपदान और पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता ये भी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर को शाम 4:15 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 8 नवंबर को शाम 4:31 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 8 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन कुछ कार्यों को करने से जीवन में समृद्धि आती है, तो वहीं कुछ कार्यों को करने की मनाही भी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या नहीं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गाय का दान, दूध का दान, केले का दान, खजूर का दान, अमरूद का दान, चावल का दान, तिल और आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण, बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल में दूध, शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूलों की तोरण लगानी चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए और सत्य नारायण की कथा करनी चाहिए। इससे भगवान कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य बना रहता है। यदि इस दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान को विशेष माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी या तालाब आदि में दीप अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन तुलसी पूजन अवश्य करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही शालिग्राम का पूजन भी जरूर करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, नहीं तो आपको चंद्रमा के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है। इस दिन गरीब और असहाय लोगों को भूल कर भी अपमानित ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जानवर को ना तो सताएं और ना ही मारें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन पाप के भागीदार बनते हैं। इस दिन बुजुर्ग लोगों को दुख नहीं देना चाहिए, अन्यथा किसी भी देवता की कृपा नहीं होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को ना तो उखाड़े और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़े। इस दिन उड़द, मसूर, करेला, बैंगन और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी या देवता का बिल्कुल भी अपमान ना करें, नहीं तो आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।